मायरे दिन का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। ओ गुलाब हुसैन, तुझे बहुत बहुत मुबारक हो। और तू नाना बन गया है। इतनी दुआएं मंगी थी मैंने। है फिरोजा, क्या हो गया तुम्हें? अल्लाह साईं का शुक्र अदा करो, एडी सोनी दी दित्ती है। मेरी बेटी का नाम करके अब आप लोग पल्ला ही नहीं पकड़ा रहे। देखो माशाल्लाह, कितनी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। हाँ कर दी आपने, बो मुबारक हो मिजान। हाँ हाँ हाँ, इन्हें कितनी शादी दी तारीख भी रख छोड़ी है। कब कब है शादी? अगले महीने की 7 तारीख रखी है। इतनी जल्दी? वेखना मेरी धी, जड़ा फर्ज अदा करना है वो चंगा है ना, जितनी जल्दी हो जावे बंदा फारिग होवे। लेकिन अम्मी जान, इतनी जल्दी शादी की तैयारियां किंज करे सो? ना वेखना बेटा, इसे तैयारी वाली केड़ी गल है, जेवर कपड़ा तो बना हुआ ना। बाकी वो लोग चाहते हैं कि शादी जो है ना सादगी से। ब्राइडल ड्रेस बना लिया बिंदिया ने अपना? नहीं, हाली तो शुरू किया है, बस एक अद्धा महीना लासी मुकम्मल हो जासी। उदा तू आसे ना क्या के मदद कर देना। जी अम्मी जान, मैं तो अभी से आने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। हाँ हाँ, सौ बिस्मिल्लाह, जम जमा मेरी धी। अच्छा वेखना, तेरे अबू ना बुटीक में मसरूफ है, तू मालिक से कहना वो तुझे छोड़ जाएगा। ठीक है, बिंदिया को आखो 3-4 ड्रेस उते छापा लगा दे, मैं आते सारे काम शुरू करवे सा। हाँ हाँ, कह दूंगी इसको। अच्छा अपना बड़ा ख्याल रखना, रब रख। ठीक है अम्मी जान, अल्लाह हाफिज। खुदा, अल्लाह साईं तेरा लख लख शुक्र, अल्लाह करे खैर नल मेरी धी दी शादी हो जाए। बिंदिया की शादी पै गई है। वो किथे पै गई है? मेरा मतलब है तय हो गई है। अच्छा, अगले महीने की 7 तारीख। बाबा साईं जरा मसरूफ है, मैं को लेने नहीं आ सकते, आप मैं कुछ हट आए ना। कहाँ? मुल्तान अम्मी के घर, बिंदिया की शादी तय हो गई है। और बिंदिया की शादी से तेरा क्या तल्लक है? भेड़ है मेरी, मेरा जाना जरूरी है। और देखो, ना तो मेरे पास इतने फालतू पैसे हैं और ना ही इतना फालतू टाइम है, समझ आई है? पहले मैं टिकटे लूं, तुझे छोड़ के आऊं, फिर तुझे लेने जाऊं, हैं? दोनों दुकानों का नुकसान करूं, और मैं पागल का पुत्र हूं? मालिक, टिकटों के पैसे बाबा साई दे देंगे, आप बस मैं कुछ हट आए। ओए मैं इतना वेला नहीं हूँ। अच्छा तुफैल भाई के साथ चली जा। तुफैल भाई के साथ? मालिक मेरी शादी आपके साथ हुई है, तुफैल भाई के साथ नहीं। ओए इन्हीं मुसीबतों की वजह से उन्होंने तेरे साथ ब्याह नहीं किया, अपने गले से बला टाल के तो मेरे गल पा दिया उन्होंने। मनोज कहीं की अच्छा थोड़ा सा खा ले, ठीक है तू भी खा। हाँ हाँ। फिरोजा लड्डू खा लेना। किस चीज के लड्डू हैं ये? मोतीचूर का। नगीना भी खैर से डॉक्टर के होके आई है, डॉक्टर ने इसको राम का कहा है, समझ लिए ना आप? जा शाइस्ता, जा जा कर ये लड्डू नगीना को खिला के आ, मेरी दुआ से पुत्र ही होने। हाँ हमारा तो माँ का जुबान ही वो है, वो जो कहते हैं रोज आता है। अरे वो जो कहते हैं रोज आता है। हाँ काला जुबान जो कहता है वो हो जाता है। लाओ मेरे को लड्डू दो। नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं देना, बैठ जा तू, उसका मियाँ इतने फल फ्रूट लेके आया, वो फ्रूट खाती है, बैठ जा इधर। नहीं खाना लड्डू। मैं खा लेता हूँ। हाय फल भी खाए खैर से, माँ बनने वाली है, मुँह भी तो मीठा करे ना, जा जाके खिला के आ। नहीं नहीं रहने दो, वो नहीं खाएगी। मैं खा लेता हूँ। बाजी अपनी मुंह को दुआ तो दो।
मैं तो चोलियां चुक चुक के दुआ करता हूँ कि मेरा सोना रब नगीना को पुत्र दे। लो जी, अब तो अब्बा जी ने कह दिया है, अब तो पुत्र ही होना। क्या पका रही है तू? है गोश्त बना रही है। अच्छा ऐसा कि ना वो ना नगीना को बोटियों का बड़ा शौक है, अच्छी अच्छी बोटियां निकाल के ना तो उसके लिए रख ले। ध्यान रखी कोई खाए ना। जी ताई जान। मुझे तो तुफैल का बचपन याद आ रहा है, उसका बेटा भी उसकी तरह होगा बिल्कुल, देख लेना। बेटी भी तो हो सकती है। हाँ बेटी भी हो जाए, हमारे लिए तो दोनों एक बराबर है, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। ताईजान मैं मुल्तान जाना चाहती हूँ। मुल्तान जाना चाहती? क्यों भाई? खैर से डॉक्टर ने नगीना के दिन बता दिए, एक दो दिन की बात है, ऐसे में तो उसको छोड़ के क्यों जाना चाहती हूँ? सो तैयारियाँ होती हैं शादी की, बाकी बहनें तो छोटी हैं, अम्मीजान और बाबा साईं को मेरी लोड़ होगी ना। बेटा जब लड़कियाँ अपने घरों की हो जाती है ना तो पहले घरों की जरूरतों को देखा जाता है। मैं समझी नहीं। इसमें समझने वाली कौन सी बात है? देख तू इस मरहले से गुजरी भी है ना, तुझे पता है इस वक्त नगीना को तेरी बड़ी जरूरत है, साथ अच्छा होता है ना। ताई जान नगीना ने मेरा कितना ख्याल रखा था। जो भी है छोड़ इन बातों को, देख अपना दिल बड़ा कर, नगीना को तसल्ली हो जाएगी ना तेरे होने से। नगीना अपने लिए खुद काफी है ताई जान, उसको मेरी तो क्या तुसा की भी लोड़ नहीं है। आप मालिक से कहें मैं कुछ हट आए। क्या स्यापा पड़ा तुझे जाने का, रहो भी कुछ दिन। मैं क्या करूं, मजबूरी है ना भाभी जी, जाना पड़ेगा, उसका बाप जो आ रहा है। हाय हाय आ जाए, आ गया खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ला पला बुझ हाँ मैं कहाँ गया था? वो अब मैं तेरे लिए भ्योणियाँ लेने गया था। सच पाजी? मिली नहीं है, कल मिलेगी। तुझे भ्योणियाँ पसंद है ना? कल तो जा रही है खैर से। कल जा रही? क्यों भाई? बस पाजी वो ना शायस्ता का बाप आ रहा है ना परसों, तो घर जाऊंगी, जाके सफाई करूंगी, तो खाना वाना बनाऊंगी उसके लिए। हाँ ये बात तो है भाई, वो काफी अरसे के बाद आता है तो इसका और शाइस्ता का वहाँ होना बड़ा जरूरी है। पर शाइस्ता नहीं जा रही। नहीं जा रही? क्या मतलब? हालात नहीं वहाँ पे शाइस्ता को रखने वाले। देखे ना मुझे 100 कामों के लिए घर से अंदर बाहर निकलना होता है और मेरा तो दम घुटता है बच्ची को अकेले घर छोड़ते हुए। और अब तो उस मोहल्ले में बदमाश आ गए हैं, अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता बाजी। नहीं वो तो तेरी बात ठीक है, पर अब तो उसका बाप आ रहा है ना, अब किस चीज का डर है? वो 2-4 दिन के लिए आ रहा है फिर चला जाएगा, तो उसके बाद मैं क्या करूंगी? देख भाई यास्मीन तू बुरा ना मनाई, लेकिन ये बात कुछ मुझे मुनासिब नहीं लगती। देखे ना मेरा लड़कों वाला घर है, मैं जो आन जानती को उनके बीच में कैसे रख सकता हूँ? ये अच्छी बात नहीं है। हाय हाय पाजी क्या हो गया, लड़कों का क्या मसला है? वो दोनों शादीशुदा हैं और फिर घर में लड़कियां भी तो है ना, शाइस्ता आयशा के साथ रह लेगी। पर यास्मीन पाजी कभी आप ना मेरी भी मजबूरी समझा करें, मसले सिर्फ आपके साथ नहीं होते, दूसरों के साथ भी मसले होते हैं। मैं भी कुछ शौक से अपनी बच्ची को यहाँ पे छोड़ के नहीं जा रही, बड़ी मजबूरी से छोड़ के जा रही हूँ। आप घबराए ना, दिल बड़ा करें, ये किसी गैर का घर थोड़ी है, उसके मामू का घर है। अच्छा अच्छा ठीक है, तू बेफिक्र होके यहाँ छोड़ जा, ऐसी कोई बात नहीं, वैसे भी उसकी पराया थोड़ी है घर, यही ब्याह के तो आना है उसने, अच्छा है ना माहौल में रच बस जाएगी, बेफिक्र हो। ठीक है ना जी? ठीक है भाई, जो तुम लोगों के फैसले।
देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैंने इस लड़की से शादी नहीं करनी। अब समझ आ गई है ना तुम्हें, ये सब खाला कर रही है, सब बेटों को ना उन्होंने मुट्ठी में किया है, सब उन्हीं की जुबान बोल। सच्ची? ओ खुदाया, आपके साथ भी यही करते? मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ, मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। जाना 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 जाना। क्या कर रही हो? हटो। वैद्य के लिए मारा पानी ना, हमें जो बैठ के पीना चाहिए। ये मैं साफ करता हूँ। पीछे हो। पानी पी रहे? पानी पी रहा हूँ, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? मेरे को ना आपसे शर्म आता है। आप ना अपना हर काम मेरे को कहा करें। क्यों जी, मेरे हाथ पैर टूटे हुए? मैं बनूंगा ना आपका हाथ, आपकी आंखें बनूंगा, पैरों में बिठा लेंगे तो पाँव भी बन जाऊंगा। मेरे को ना आपसे जाना 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 जाना। लो जी, गर्मा गर्म सूप पियो ते मौजा करो। तूफ़ान, मुझे ना डर लग रहा। लाता सो, और देखो डरावनी फिल्म। मैं कह रहा था ना मत देखो डर लगेगा, पर मेरी बात तुमने मानी नहीं। वैसे बंदा पूछे, वो चुड़ैले देखने का इतना ही शौक है तो जब बीवियां खावन से लड़ रही हो ना तो शीशा देख लेना चाहिए, फिल्म देखने की लोड़ ही नहीं पड़ेगी। तो फिर हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। मैं उस डर की बात नहीं कर रही। तो फिर किस डर की बात कर रही हैं आप? जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है ना, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। लड़की ना, क्या हो गया है तुम्हें? इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, अल्लाह सब खैर करेगा। लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरे बच्चे को किसी किसी पराए की गोद में डाल दोगे क्या? वो कोई अकल को हाथ मारो नगीना, वो क्या हो गया है तुम्हें? किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? अल्लाह सब ठीक करेगा। लेकिन वक्त का कुछ पता नहीं होता ना, कब क्या हो जाए। पता नहीं मैं ना रही तो मेरे बच्चे का क्या होगा। तुम तो अपने खानदान से बाहर ही नहीं निकलते, पता नहीं क्या बनेगा मेरे बच्चे का। ओ, मेरी अकल में ये बात नहीं आ रही कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। सोचना पड़ता है ना। अच्छा जी, सोचना पड़ता है तो फिर ये क्यों नहीं सोच रही कि अगर मैं लुढ़क गया फिर क्या करोगी? ना ना करे तुम्हें कभी कुछ हो, तुम्हारी वजह से तो मेरी सारी खुशियां। तुम हो तो मैं हूँ, वरना वरना मैं भी नहीं। देखो ना, जोक अपार्ट, मेरा मतलब है कि मजाक अपनी जगह, लेकिन हम दोनों एक दूसरे का नसीब है और नसीब में था तो एक दूसरे से मिल गए हैं ना, और इंशाल्लाह हम दोनों सलामत रहेंगे अपनी औलाद के सर पे। है? लेकिन अपने बच्चे की परवरिश यहाँ नहीं करेंगे, किसी अच्छी साफ सुथरी जगह पे भले बढ़ेगा वो। ठीक है? ठीक है, जैसे आप कहो, जो आप कहेंगे बिल्कुल वैसे ही होगा। तो फैल का काम तो है नगीना के आगे सिर झुकाना। ठीक है, आप सूप पियो, मैं अभी आएगा। और मेरी लत सो गई।
सही सही तरह घोट हत्था विच जान कोई नहीं तेरे। गुड़िया सो गई है? जी अम्मी जान सो गई। शुजा चला गया वापस, रहता दो तीन दिन? नहीं वाह, उस बेचारे को बहुत काम थे। मेरा तो ख्याल था कि मालिक तुझे छोड़ने आएगा। मालिक के पास ना मेरे लिए फालतू वक्त है ना पैसा, वो मैं कुछ हटन क्यों आएंगे। फिरोजा मालिक ठीक तो है ना तेरे साथ? वो अच्छा शौर है कि नहीं? सब ठीक लगता मेरे को अगर अपनी आंखों के सामने दिन रात ये ना देखती कि अच्छा शौर कहते किसे है। किसकी बात कर रही है? नगीना के शौर की। तो फैल की? नसीब के बिछोड़े भी अजीब ही होते हैं अम्मी जान, रुलाते बहुत हैं, पछताने के लिए कुछ भी पास नहीं रहने देते। पछतावा इंसान की आदत बन जाए ना तो जिंदगी मुर्दा हो जाती है मेरी बच्ची। इसे जिंदा रख और भूल जा सब कुछ, उसका नसीब उसके साथ और तेरा नसीब तेरे साथ। अरे तू तो घोट सही तरह। बैठे हूं सब कुछ लूटा। बनके मेरा परवान आएगा अकबर खाना, कह दूंगी उसको जाना पखेरा गिले। हेलो मेरे कमरे को क्या किया? सिपाही किए मैंने। क्यों? वैसे बेड उधर पड़ा हुआ था, वो क्यों लाया तुमने? और स्टडी टेबल पड़ी थी, उस पे रोशनी आती थी खिड़की से, उसको क्यों लाया? अभी भी तो आता है। मेरी फाइलें पड़ी हुई थी वहाँ पे, वो कहाँ रखी हैं? वो तो मैंने अलमारी में रख दिया। यार इसमें क्या है? और गुलदान, उसके फूल कहाँ फेंके? फेंकूंगा क्यों, वो तो उधर ही मेज पे पड़े। और वो जो खाने की चीजें रखी थी मैंने, चिप्स चॉकलेट, वो कहाँ गई? क्या क्या फुटो कुछ मुंह से। खा गई यार, सब खा गई। यार तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी थी? किसने कहा था मेरा कमरा साफ करने को तुम्हें? ये तो किसी ने नहीं कहा था, ये मैंने खुद किए। क्यों? वो आपका कमरा थोड़ी है, वो तो मेरा भी है। कुछ नहीं हो सकता। बेटा वो ना तेरी तेरी जिम्मेदारी लेना चाहती है, वो प्यार करती है तो इसमें इसने बुरा बनाने वाली तो कोई बात नहीं ना। माँ जी इसको किसने कहा मेरी जिम्मेदारी उठाए? पकड़ के कमरे की निस्त मार दी उसने मेरी, पेड़ा गर्क कर दी कमरे का, फाइलों की जगह किताबें रख दी, किताबों की जगह कपड़े रख दिए, और तो रात को मेरा खाना भी खा गई। मासूमी सी है, दिल की साफ है, ऐसी कोई बात नहीं है। दिल की भी साफ है, दिमाग की भी साफ है। लेकिन बात अब ये कोई वक्त नहीं है ये बातें करने का, बस भूल जाए इन बातों को। माजी कौन सा वक्त है बातें करने का? देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैंने इस लड़की से शादी नहीं करनी, तब भी आपने मेरी नहीं सुनी थी, अब भी मैं आपको बता रहा हूँ, मत धकेले मुझे इस खड्डे में। मेरी बात सुन बेटा, मैं भी कुछ नहीं कर सकती, जिस तरह तू चुप है ना उस तरह मैं भी नहीं कर सकती। बेबस हूँ मैं, तेरे अब्बा जी ने अपने रिश्तेदारों में फंसाया हमें, मैं क्या करूँ। माजी ज्यादती कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ, और आप चाहते हैं कि मैं एहतजाज भी ना करूं, चुपचाप इस खड्डे में गिर जाऊं। मैं क्या करूं, मेरे बस में कुछ है नहीं। शाइस्ता रोना बंद कर दो ना। अल्लाह अच्छा मेरी बात सुनो,
बात सुनो मेरी। देखो तुम्हें तुम्हें कम से कम अंदाजा तो हो गया ना किस घर की बहुओं के साथ क्या सलूक होता है। जो शौक तुम्हें बाद में लगना था वो अब लग गया। शुक्र मनाओ। कैसे शुक्र अदा करूं? वो तो हमको अकल से पैदल समझती है। कहता तो ठीक ही है। हैं? मेरा मतलब है कि मर्द तो ऐसे ही होते हैं, ऐसी बातें करते हैं। वो आवाज ने भी कर दी तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर तुम्हें अंदर की बात बताऊं तो सब बातें आवाज नहीं कर रहा, उसको सिखाई जा रही है। अच्छा कौन कौन सिखा रही है उसको? खाला। मामी जान। नहीं 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 नहीं। हाँ मानो मेरी तो वो खाल है, मुझसे बेहतर उन्हें कौन जान सकता है। मामी जान कह रहा था कि मामू जान ने तो खुद ही रिश्ता तय कर दिया, उनसे पूछा भी नहीं। अब समझ आ गई है ना तुम्हें, ये सब खाला कर रही है। सब बेटों को ना उन्होंने मुट्ठी में किया है, सब उन्हीं की जुबान ठोल। सच्ची? ओ खुदाया, आपके साथ भी यही करती? मेरे साथ ही तो करती है वो ऐसे। फिरोजा को तो उन्होंने सर आंखों पे बिठाया है। हुई वाकी? मस्के लगाती है सास को, आगे पीछे घूमती है। जैसी सास वैसी फिरोजा, हम दोनों क्या बेचते हैं उन दोनों के आगे? हमारा हम क्या करेगा? देखो तुम कुछ ना करो, तुम बस अब्बास पे फोकस करो, तुम उसके काम करो अच्छे तरीके से करो, उसको शिकायत का मौका ना दो, और खाला की बातों को ना बस तुम नजरअंदाज करो। बाबी आप ठीक हो? नहीं चाहिए, प्लीज किसी को बुलाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बाबी को कुछ हो गया? आयशा तू बैल भाई, मामी जान। भाई जान ने किस गल की मुबारकबाद दी है? तो फैल के घर बेटा हुआ है ना, आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? अब बात से कहे मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे। मेरे दिल का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। मेरे दिल का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी। बड़ी खुशी की बात है, आपको मुबारक हो भाईजान। अल्लाह ने नस्ल को आगे चलाने का सबब बना दिया, बच्चों को भी प्यार दीजिएगा और भरजाई को ढेर सारी मुबारकबाद। ठीक है भाई, खुदा हाफिज। राशिदा क्या हो फिरोजा, तबीयत तो ठीक है ना इसकी? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बस जरा सफर की थकान है, बच्ची दे नाल बेआरामी है ना। और तू साए दसो भाईजान नु किस गल दी मुबारकबाद दित्ती है? तुफैल के घर बेटा हुआ है ना। अच्छा बहु मुबारक हो बेटा। खैर मुबारक, तो बड़ी खुशी वाली गल है। ऐसा कैसे हो गया? उसके घर में बेटा और मेरे घर में दी कैसे हो गए? पता है ना अम्मी जान, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो गया? बड़ी देर ते सब सुने रब दी देन है ना, वो दी मर्जी जिस तरह चाहे नवाज दवे। रब का देना उसके लिए मेरे लिए क्यों नहीं?
अगर उसके साथ उसकी माँ की दुआएं थी तो मेरे साथ तो मेरी माँ के साथ मेरे पापा की भी दुआएं हैं। क्यों नहीं जान, अगर दुआओं में खोट है तो उसकी माँ की दुआ कैसे कबूल हो गई? ना फिरोजा, मेरी थी कुफर ना बोल, रब नल की लानी करना। औलाद अपनी माँ को अपना दुख बताती है ना, वो तो अपने बंदे से 70 माँ जितना प्यार करता है, मैं क्यों ना बताऊँ अपना दुख, क्यों ना बताऊँ? बेशक ये उसी सोने रब का प्यार है बेटा, जिसने तेरी झोली में अपनी रहमत डाली है। बेटी को रब की रहमत समझ के कबूल करने का रवाज सिर्फ इसी घर में है, दुनिया में नहीं है। किसी के घर बेटी पैदा होती है ना तो मजबूरी में शुक्र करता है, और शुक्र के साथ दिल दिल में कहता है जो थोड़े कोई मौत सा कर दे कि बेटी बेटा बन जाए। देख फिरोजा बेटा, रब सोने ने मुझे भी तो बेटियां दी है ना, मैं भी बेटियों की माँ हूँ, पर तेरे पापा ने आज तक कभी कुछ नहीं कहा। अरे शोर गुलाम हुसैन नहीं होता हमेशा, वो मालिक गुलाम तालिब है, वो सोचेगा अपने भाई के बेटे को देखते। दिल छोटा क्यों करे नहीं है, देखना अगली बार ना रब सोना तुझे भी बेटा देगा। ना मीजा, दुआ ना दे, मेरे नसीब की दहरी साहब की दुआओं को मुझ तक पहुंचने नहीं देती। ना मीजा, दुआ ना दे। फिर समझ ले मेरी थी, रब सोने ने तेरी माँ की कोख नू तेरा नसीब बना दिता। ना मीजा, दुआओं को बद दुआ के जाग ना लगाए, नहीं तो दाढ़ी देख के नसीब सड़ जाने हैं। अल्लाह ना करे, ना फिर सदा यो जी गाल ना कर, अल्लाह पाक सदा खुश आबाद रखे। ओ अब्बा जी, सारे दुकानदारों को भी मिठाई दे दी है और अब पूरे मोहल्ले को मैंने पुख्ता दिया। अब मुझे ये बताएं कि खाला के घर क्या भेजना है और चाची के घर क्या भेजना है। यार खुशी का मौका है, तू ऐसा कर, 5-5 किलो की ना 5-6 टोकरियाँ बना और सारे अजीज रिश्तेदारों में जाके तकसीम कर दे। ठीक हो गया भाई, बाहर कौन आ गया? और तो मुझे क्या देख रहा है, बाहर जाके देख कौन आया। हाँ जी जी, गुलाम तालिब साहब से मिल रहा है। अच्छा जी, अब्बा जी बाहर कोई बंदा आया आपसे मिलने? कौन है? पता नहीं, मैंने भी पहली दफा ही देखा उसको। तो मैं भी देखूंगा तो पता चलेगा ना कि कौन है, बुला उसे अंदर। अच्छा जी, आ जाए चाचा जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तालिब हुसैन आप हैं? हाँ जी, फरमाओ। अब्बास के वालिद हैं आप? हाँ। एक बात करनी है आपसे। हाँ तो बैठ के कर लेते, बात बैठा तशरीफ रख। एक इल्तिजा लेके आया हूँ आपके पास। जी जी फरमाएं। ये आपका बेटा अब्बास है? और नहीं नहीं जी, मैं मालिक हूँ, अब्बास मेरा छोटा भरा है। मैं बेटी का बाप हूँ, आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? अब्बास से कह मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे। बेटी का पीछा छोड़ दे? क्या 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 किया है उसने? मेरी बेटी अब्बास के दफ्तर के पास स्कूल में टीचर है। अच्छा। अब्बास ने उसे बरगलाया है, शादी का वादा भी किया है, अब वो इस रिश्ते से इनकारी है। अब्बास ने? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, अब्बास का तो मैं रिश्ता तय कर चुका हूँ। रिश्ता तय हो चुका है? मेरी बेटी से शादी का वादा करके खुद शादी कर रहा है? या तो आप ये रिश्ता खत्म करके मेरी बेटी से रिश्ता करें, या अब्बास से उसका पीछा छोड़ दे। ना, आपके पास क्या सबूत है कि मेरा बेटा अब्बास ये सब कुछ करता रहा है? ये हाथ है, पढ़ लीजिए, इसमें शादी का इरादा भी जाहिर किया है।
आपसे वाकई शर्मिंदा हूं भाई साहब। मेरे बेटे की वजह से आपको बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी है। बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं, और आप यकीन जानिए मैंने अब्बास का रिश्ता अपने खानदान में तय किया है अपनी सगी भांजी के साथ। आप अपनी बेटी का रिश्ता जहां आप तय करना चाहते हैं बिना शक कर दें। अब्बास की तरफ से आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी कि मैं आपसे बाधा, और आपको कभी दोबारा यहां आने की जहमत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब आप मुझे माफ कर दीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी। जा बेटा छोड़ के आज। जितनी बेइज्जती मेरी आज हुई है ना सारी जिंदगी में नहीं हुई। मैं तो बेटा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी औलाद ये हरकत करेगी। क्यों माँ जी, मैंने क्या किया ऐसा? तो फैल भाई ने अपनी मर्जी से नहीं शादी की। और नलायका, तेरी बाकायदा मंगनी हो चुकी है, पूरे खानदान में इसका ऐलान हो चुका है। उसकी मंगनी नहीं हुई थी तो फैल की, उसने शादी के लिए ड्रेस भी चुनी थी। तो मुझे, मैं भी शादी के लिए पसंद कर रहा हूँ। क्या कह रही है? मैंने आप लोग को बार बार मना किया था, जब आप लोग रिश्ता तय कर रहे थे तब भी मना किया था, उसके बाद भी मना किया, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। और हमने तेरी बात क्या सुननी है? मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ कि शरीफ घरों में ये काम नहीं होते अब्बास साहब, वहाँ रिश्ते जोड़े जाते हैं तोड़े नहीं जाते। क्यों गया, हाथों ना रखो जरा। और क्या हाथों ना रखूं, गोली मार दी मैंने उसको। हाँ जी बापा जी, दिल तोड़ दिए जाते हैं, जिंदगियां बर्बाद कर दी जाती हैं। और जिंदगी कैसे बर्बाद हो गई तेरी? और तेरी जिंदगी है कितनी? चूंगे में से 22 साल। शायस्ता को देख, नेक है, शरीफ है, शुगर है, और क्या चाहिए तुझे? अब्बा जी अकल से पैदल है, मेरी बात नहीं सुनती है, दफर है, समझा समझा के थक गया। आप लोग क्यों मेरी एक जाहिल लड़की से शादी करा रहे हैं? मुझे पढ़ी लिखी लड़कियां पसंद है अब्बा जी, एक पांचवी पास लड़की के पल्ले क्यों बांध रहे हैं? तू पांचवी जमात को छोड़, मैंने कहा मेरे साथ वो बात करे जिसने 16 जमातें पढ़ी हो, और तूने तो चूंगे में 14 जमातें पढ़ी है, वो भी रुड़ फुड़ के। मेरी बात सुनो, वो खानदान की बच्ची है, हमारी गोदों में पली बड़ी है, और ये जो रात चलते पींगे बढ़ाने वाली होती है ना, ये घर बसाने वाली नहीं होती। क्यों इस उम्र में माँ बाप के सिर में खाक डलवाना चाहता है, और तू हमारी नाक कटवाना चाहता है? ठीक है बाजी, मेरी जिंदगी, मेरा सुकून, मेरी खुशी गलत हो जाए, आपकी नाक बच जाए। ये सब वक्ती बातें हैं, खानदान से कटके कहीं का नहीं रहता इंसान। मेरी बात गौर से सुन लो जी, अब्बास साहब तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ शाइस्ता से। फिर आप ही सुन ले बाजी, मेरी शादी किसी से कराए या ना कराए, शाइस्ता से शादी नहीं करूंगा। सुन लिया ही वड्डी है मैं तने। बस गुस्सा ही बड़ा पैड़ा है इसका, क्या करूं? मेरे गुस्से को लो पैड़ा नहीं था। आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बस 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 पहुंच गए।
दी चंद दिन हो रुकना चाहती थी, लेकिन ताई जान भाई अब्बास के मसले की वजह तो बहुत परेशान सन। वल मैं आखिया बेहतर है चली जावा। और ये अब्बास ने अब नवा ही कटा खोल लिया है। कौन हो लड़की? दफा कर, हमने क्या कहना लड़की को? हुन शायस्ता का कह बन सी। शायस्ता का क्या होना, उससे नहीं होगा तो किसी और से ब्याह हो जाएगा उसका, सीधी सी बात है। कहना आसान है। और इसको तो चुप करा, इतना रोती है ये। बाल ते रोंदे ही हैं। अब तो फैल भाई का बेटा तो नहीं रोता, तूने तो कभी उसे देखा भी नहीं है। बड़ा सोना है वो, और हम नाम रखा है भाभी ने उसका, अरहम। हाँ अरहम, बड़ा सोना है। मैं लेके आऊँ उसको? मैं मालिक, मैं फिर रह गई इंसान। नहीं नहीं, मैं उसे लेके आता हूँ, बड़ा प्यारा है वो। मालिक मैं देख लूंगी बाद में। मैं उसे प्यार करने के लिए रोज लेके आता हूँ, मुझे ना बेटों का बड़ा शौक है, मैं उसे लेके आता हूँ। मालिक मालिक, मैं तो चोलियां चुक चुक के दुआ करता हूँ कि मेरा सोना रब नगीना को पुत्र दे। क्या सोना है वो, और हम नाम रखा है भाभी को उसका। तुम्हारे सारे बिजनेस ट्रिप कंप्लीट हो गए हैं तो फिर तुम्हारी शादी का सोचो। वो ना उस लड़की से शादी करना चाहती है। मालिक भाई मुझे पैसों की जरूरत है। तेरी पढ़ाई के लिए पैसे देते हैं ना, अपने ऊपर इसको बड़ा बड़ा एहसान समझ। भाई बहुत कर लिया मैंने सारी जिंदगी तुम लोगों के लिए, जान छोड़ दो मेरी, अब मुझे अपनी बीवी बच्चों पर खर्च करने दो। मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी।